चरखा गृह सेवाग्राम में आयोजित सम्मेलन में लापता हुई बालिका पुलिस जांच दौरान नागपुर में मिली। पुलिस ने बालिका को माता पिता के सुपुर्द किया। पुलिस स्टेशन सेवाग्राम अंतर्गत चरखा गृह सेवाग्राम में समाज कल्याण कार्यालय और जिला परिषद की ओर से दिव्यांग और मतिमंद लोगों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में वर्धा जिले के पारडी निवासी 60 वर्षीय रहना भी शेख चांद जब पंजीयन करा रही थी, तब उनकी बेटी 37 वर्षीय रुखसाना परवीन शेख उन्हें कुछ न बताते हुए वहां से निकल गई। इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन सेवाग्राम में दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज होने बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच दौरान वह पुलिस स्टेशन परिसर में दिखाई नहीं दी। तब घटना की गंभीरता को ध्यान में लेते हुए पुलिस स्टेशन सेवाग्राम के थानेदार चंद्रशेखर चकाटे ने उक्त दिव्यांग बालिका की तलाश के लिए विशेष पथक तैयार कर पथक को नागपुर में रवाना किया। तब वह नागपुर में सीता बर्डी परिसर में बस स्थानक के पास दिखाई दी। पुलिस स्टेशन में लाकर उसे उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक सागर कौड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी वर्धा प्रमोद मकेश्वर, थानेदार चंद्रशेखर चकाटे इनके मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक चौहान, सहायक फौजदार दिलीप कड़ू, पुलिस हवालदार हरिदास काकड़, गजानन कठाने, मनोज लोहकरे, योगिता जुमड़े, अभय इंगड़े, पवन झाड़े, कैलाश चौबे ने की।